अच्छा खाएं, कम से कम एक हफ्ते तो डेली एक रोटी खाएं ब्रेकफास्ट में, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट। अच्छा मैम, दोस्तों वेलकम टू लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा वजन स्टक हो गया, वजन कम नहीं हो रहा, वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, इतनी सारी डाइट के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा, क्या करें, इसका कोई हल बताइए। तो आज मैं आपको इसका हल बताने वाला हूँ वीडियो के ऊपर। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, तो इसका हल बड़ा आसान और सिंपल है कि आप डाइट करो, आपका वजन कम नहीं हो रहा, आप एक्सरसाइज करो, आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपका वजन क्यों कम नहीं हो रहा। और बहुत ज्यादा कुछ लोग कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा डाइट कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे तो वजन कम नहीं हो रहा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा डाइट करके, बहुत ज्यादा अपने आप को भूखा रख रख के अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेते हैं। हमारी बॉडी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, मतलब बॉडी को पता है कि अगर मेरे अंदर एनर्जी आनी है तो मैं उसको यूज कर लूं, और बॉडी को अंदाजा हो जाता है कि जब मेरे अंदर एनर्जी आनी नहीं है, खाना आना ही नहीं है, तो मैं जो बची हुई एनर्जी है उसको सेव करूं। इसलिए मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं लिवर के, किडनी के, जो सारे बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो सब बॉडी स्लो कर देती है, क्योंकि वो सब होते हैं एनर्जी के थ्रू, कैलोरीज के थ्रू। ठीक है, जब एनर्जी आई नहीं है तो बॉडी सब स्लो कर देती है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ज्यादा डाइट करने से, तो आप कितनी डाइट कर लो आपका वजन कम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करें। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का तरीका है, जो चीजें मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है ना, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन खाने में ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें, ग्रीन टी पीना शुरू करें, माचा टी पीना शुरू करें, एक दिन में एक कप ब्लैक कॉफी पी लिया करें, ठीक है, और इसके अलावा अपना दही खाया करें, और इसके अलावा ऐसी तमाम चीजें गूगल पे भी लिखेंगे आ जाएंगी जो कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, वो खाना शुरू करें, थोड़े दिन के लिए डाइट छोड़ दें, सिर्फ हेल्दी ईटिंग पे आ जाएं। लंच लाजमी क्या करें, लंच स्किप ना करें, डिनर स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, तीनों खाने प्रॉपर खाएं, ब्रेकफास्ट अच्छा करें, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें, सिर्फ चाय पराठा ना खाएं, सिर्फ बिस्किट्स और केक्स और बिस्किट और केक के साथ चाय ना पिएं, अच्छा खाएं, कम से कम एक हफ्ते तो डेली एक रोटी खाएं ब्रेकफास्ट में, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपकी बॉडी ये रियलाइज करे कि अब खाना आना शुरू हो गया, तो प्रोसेसेस तेज कर लो, ठीक है, जो सब कुछ स्लो डाउन हुआ है उसको तेज करें। दोपहर में खाना स्किप ना करें, कोशिश करें सैलेड्स खाएं, और एक अच्छा बॉल भर के सैलेड्स खाएं, आपका वजन नहीं बढ़ाएगा बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को यह रियलाइज होगा कि खाना आ रहा है, मेटाबॉलिज्म तेज होना चाहिए। साथ साथ जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज को बढ़ा दें, मिसाल के तौर पर अगर आप 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 15 मिनट कर दें, आप 20 मिनट वॉक करते हैं तो 25 मिनट कर दें, क्योंकि जितना वर्कआउट और एक्सरसाइज बढ़ती है उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी साथ मसल ट्रेनिंग भी शुरू कर दें, खवातीन या हजरात हैं हल्के फुल्के वेट्स लेके, हजरात तो जिम जा सकते हैं, आजकल जिम बंद है, घर में भी एक 5-5 किलो का डंबल ला के रख लो या 2-2 किलो का डंबल ला के रख लो, जो बेसिक एक्सरसाइज होती है ना आपको गूगल पे यूट्यूब पे सब मिल जाती है, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की, चेस्ट की, वो बेसिक एक्सरसाइज करना शुरू करो, क्योंकि जब आपका मसल ग्रो करता है, मसल स्ट्रांग होता है, तो भी आपका फैट बर्न होता है, बॉडी वजन, आपका फैट कम होता है, बॉडी यू नो वजन कम होता है, वजन कम होता है। बेसिकली एक्सरसाइज शुरू करो, अच्छा खाना शुरू करो, भूखा रहना बंद कर दो, एक्सट्रीम डाइट्स बंद कर दो, सब चीजें डाइट में शामिल करो, बस ऑयली ना खाओ, चीनी ना खाओ, और क्या कहते हैं फैट ज्यादा ना लो, ठीक है, शुगरी फूड ना लो, कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, उसके अलावा सब कुछ खाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, पोर्शन कंट्रोल करो, 1-2 महीने देखो आपका वजन वापस कम होना शुरू हो जाएगा, ये जो वेट स्टक हुआ है ना ये बंद हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बहुत शुक्रिया। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।